एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर थर्ड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9 आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है मींस 10 से लेकर 99 तक हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है जिसकी डिजिट का टोटल 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर अगर इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर है तो वो नंबर इज मींस इक्वल टू ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर उस नंबर को उल्टा कर दें मींस वो 45 है तो उसको 54 कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। फाइंड द नंबर तो नंबर पता कीजिए कि आपका नंबर क्या है। तो सबसे पहले ये टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। तो जो हमारे टू डिजिट नंबर्स हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 जिसमें से पहला नंबर होता है इसको बोला जाता है वंस प्लेस डिजिट और जो सेकंड नंबर होता है इसको बोला जाता है टेंस प्लेस डिजिट। अगर हमें कोई भी नंबर टू डिजिट का नंबर होता है हमारे पास तो हम उसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे। कैसे करते थे 45 को लिखा जाता था 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 मीन्स ये आपकी वंस प्लेस डिजिट है और ये आपकी टेंस प्लेस तो इसकी प्लेस वैल्यू है ये इसकी प्लेस वैल्यू है। अगर आपको 65 या 69 कुछ ऐसा नंबर दिया गया जिसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ से क्या है आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 10th प्लेस वाले डिजिट को और आपने 1 से मल्टीप्लाई किया यूनिट प्लेस वाले डिजिट को या 1's प्लेस वाले डिजिट को। अब 1 से मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता तो ऐसे ही लिख दिया। किसी भी टू डिजिट नंबर को लिखने का ये तरीका है 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। तो एक टू डिजिट नंबर में हमारे पास जो दो पार्ट होते हैं वो होते हैं 1's प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट और जो सेकंड पार्ट है वो होता है हमारे पास 10th प्लेस डिजिट। लेट 1's प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x 10's प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। ये पार्ट हर टू डिजिट वाले क्वेश्चन में फिक्स है इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। टू डिजिट्स रियल नंबर या ओरिजिनल नंबर जो हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बताया गया आपको 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस डिजिट जो कि हमारी यहां पर y है प्लस यूनिट प्लेस डिजिट जो कि हमारी x है। अब आप ये करने के बाद आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कहीं पर रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग द डिजिट दिया गया है तो इसमें दिया गया बाय रिवर्सिंग द डिजिट मींस आप डिजिट को उल्टा कर दें 69 को कर दें 96 और 45 को कर दें 54 मींस जहां पर आपका यूनिट प्लेस था वहां पर आपने 10th प्लेस को लिख दिया और जहां पर आपका 10th प्लेस था वहां पर आपने यूनिट प्लेस डिजिट को लिख दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे नंबर ऑब्टेन by reversing या interchanging by reversing the digits। अगर आप digits को reverse कर दें तो आपको क्या number मिलेगा हम भी यही करते हैं 1's place को तो 10th place की जगह लिख देते और 10th place वाले number को 1's place की जगह लिख देते तो number बन जाएगा 10x plus y या यहाँ से बात करें तो number बनेगा 9 into 10 plus 6 into 1 ऐसे लिखा जा सकता है। इतना क्वेश्चन हर टू डिजिट वाले नंबर में सेम है। अगर आपका एक क्वेश्चन चार नंबर का आता है तो ये इतना पार्ट जिसके लिए आपको क्वेश्चन भी रीड नहीं करना इस इतने पार्ट का आपको वन मार्क मिल सकता है एक नंबर मिल सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है जहां से हमें इक्वेशंस पढ़नी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया फर्स्ट कंडीशन में कहा गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर जो नंबर है उसके डिजिट का सम तो हमारे पास डिजिट है एक्स और वाई इट मीन्स x plus y is equal to 9 condition number first। अब second में कहा 9 times this number condition को नाम से पढ़िए 9 जैसे कि आपको दिख रहा है times का means multiply this number means original number 10y plus x आगे लिखा गया is कोई भी verb या helping verb इन questions में आपके लिए equal to is twice means 2 multiply नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट तो रिवर्सिंग द डिजिट से जो नंबर मिला वो हमें है मिला है 10x plus y।
इतना क्वेश्चन आपके लिए फिक्स है। अब ये करने के बाद आपको सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन आपकी बनी 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब सारी इक्वेशन को एक तरफ इकट्ठी कर लीजिए, 9x और 20 इधर आया तो माइनस 20x, पहले x वाला पार्ट लिखते हैं। अब यहां पर पहले ही है 90y और 2y को इधर लेके आए तो माइनस 2y और राइट में बचा 0, तो 9y माइनस 20y सॉरी 9x माइनस 20x 11x और 90y माइनस 2y प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अगर आपकी पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड होती है तो आप कर सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन 11 से डिविजिबल है। 11 वन जा 11, 11 एट जा 88 एंड 11 0 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 0। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 7। अब इन दोनों में x के आगे यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, बार बार बोल रहा हूं, अभी आपको साइन पे कोई ध्यान नहीं देना। इन इक्वेशन को लिखिए आप, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपका जो x है वो डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है क्योंकि ऊपर प्लस x है और नीचे माइनस x है, तो अगर सीधा कैंसिल हो सकता है तो हमें साइन चेंज नहीं करने, और अगर हमें साइन चेंज नहीं करने तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो बाय एडिंग आपको क्या मिला, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, देन 8 प्लस 1 9y इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ y इज 9 बाय 9 इज इक्वल टू 1। अब जो आपकी y की वैल्यू निकली आप इसे किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ, ये जो वैल्यू है आपकी y की फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 9 और y की वैल्यू आ गई हमारी 1, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 x इज इक्वल टू 8, ये निकली हमारी x की वैल्यू। x और y निकालना हमारा आंसर नहीं है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड टू डिजिट नंबर, तो हमारा जो दो डिजिट का नंबर है हमें वो निकालना है जो ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, तो जो हमने एज्यूम किया था उसको खत्म करेंगे वापस, वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8, tens place digit is equal to y is equal to 1, और हमारा जो टू डिजिट ओरिजिनल नंबर है वो है टू डिजिट्स ओरिजिनल नंबर, रियल नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टू डिजिट्स रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x, तो y की जगह y की वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह x की वैल्यू, 10 बन जाए 10 एंड 1 18, तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है 18। अब ये कंडीशन को चेक कीजिए कि जो डिजिट्स का टोटल है वो 9 है, बिल्कुल सही है, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर मींस 9 इनटू 18 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो 81 बन जाएगा वो, तो कितना बना 89 जा 162, यहाँ से भी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो मतलब जो हमारा टू डिजिट नंबर निकला है वो एकदम ठीक है।